टॉपिक में आपसे मैं बात करूंगा उस टूल की जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया लेकिन कीवर्ड सर्च में ये भी बड़ा हेल्पफुल टूल है और उसका नाम है गूगल ट्रेंड्स गूगल ट्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो गूगल ने बहुत अरसे पहले लॉन्च की और इससे वो गूगल ये तो नहीं बताता कि क्या की सर्च हो रहे हैं बल्कि वो ट्रेंड बताता है कि किस वक्त क्या की सर्च होता है तो अगर आप एक बिजनेस में हैं और आप समझना चाहते हैं कि कुछ कीवर्ड जो आपने सर्च किए हैं उनकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड क्या है वो किस महीने में ऊपर जाते हैं किस महीने में नीचे आते हैं या अगर दो कंपेयर करें आपस में तो कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है ये गूगल ट्रेंड्स के थ्रू हमें ये डेटा अवेलेबल है क्योंकि तो गूगल जब से सर्च इंजन बना है तब से गूगल के पास एक डेटा बेस मेन्टेंड है जिसमें वो ये सारी रिकॉर्ड करता है चीज़ें कि कौन से कीवर्ड को कितनी दफ़ा कहाँ से सर्च किया गया है मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो गूगल ट्रेंड्स कर सकते हैं बेसिकली गूगल ट्रेंड्स को देखने में इस तरह से लगता है जिसमें आप ये गूगल का ये ये ट्रेंड्स का यू है जिसमें आप ट्रेंड डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाएंगे और जो है वहाँ जा आप ट्रेंड्स अपने देख सकेंगे इसमें कोशिश हम ये करेंगे कि हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे लेके चलें जो हमने पहले ही की हैं बाकी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी आइए देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रेंड्स डॉट गूगल डॉट कॉम ओपन किया तो ये मुझे एक स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें गूगल मुझे कुछ डेटा शो कर रहा है अब ये बाई डिफ़ॉल्ट गूगल यूनाइटेड स्टेट्स को डेटा ओपन करता है मुझे यहाँ से पाकिस्तान में जाना है या जिस कंट्री में आप एस कर रहे हैं या जिस कंट्री का अपने ट्रेंड्स देखने हैं आप उसके कंट्री में जाएंगे ताकि आपको उस कंट्री के ट्रेंड्स मिलें अभी फिलहाल मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है और मेरा जो मोबाइल स्टोर था उसको मैं मोबाइल फ़ोन को सर्च करूँगा एज अ की ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे मोबाइल फ़ोन के बारे में लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं अब जैसे हम नीचे देखेंगे कि गूगल मुझे सजेशन दे रहा है कि मोबाइल फ़ोन एज अ सर्च टर्म भी मैं रख सकता हूँ मोबाइल फ़ोन एज आ टॉपिक भी मैं रख सकता हूँ उसके बाद पॉड मोबाइल फ़ोन रिपेयर नोटिंगम ये कोई ये भी एक टॉपिक है आई डोंट नो ये क्या है लेकिन ये भी वो टॉपिक के तौर पर शो कर रहा है फिलहाल मैं इसको कुछ भी नहीं कि सिलेक्ट करूंगा मैं मोबाइल फ़ोन लिख कर वह सेंटर करूँगा देखूँगा कि गूगल में इसके बारे इस की के बारे में क्या सर्चिज हैं और क्या ट्रेंड चल रहे हैं जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखिए आप मोबाइल फ़ोन ऊपर एक सर्च नाम आ गई या नीचे वो डेटा बता रहा है कि पाकिस्तान का डेटा है लास्ट ट्वेल्व मंथ्स में उसने वो मुझे दिखा रहा है और कैटेगरी सारी हैं और वेब की सर्च बता रहा है मुझे तो यहाँ से मैं एम सर्च न्यूज़ सर्च और गूगल शॉपिंग या दूसरी यूट्यूब सर्च की भी मैं ट्रेंड भी देख सकता हूँ कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस ग्राफ में पता चल रहा है कि लास्ट ईयर दिसंबर में इसकी ट्रेंड की सर्चिज आई हाँ थी फिर ये तकरीबन मार्च में जाके बहुत कम हो गई जनवरी फरवरी मार्च में नीचे चलती गई उसके बाद फिर ये ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई फिर थोड़ी सी ऊपर अब ये फिर इसका ऊपर का ट्रेंड है आखिर में जिससे हमें ये आइडिया होता है कि लोग नॉर्मली हर वक्त मोबाइल ढूंढ तो रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे पीक्स आ रहे हैं जहाँ पर एक्चुअली लोग ज़्यादा ढूंढते हैं तो ये हो सकता है कि क्रिसमस की सेल या दूसरी सेल हों जिसका लोग वेट कर रहे होते हैं उसके बाद ये सर्च करते हैं आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इंटरेस्ट पर सब रीजन वो बताता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे डेवलप हो रहा है अक्सर आपको हैरानी होगी यहाँ डेटा देख कर के सबसे ज़्यादा मोबाइल जो हैं वो सर्च हो रहे हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर से और गिलगित गिल, -गिल बसजा दूसरे नंबर पर है पंजाब तीसरे नंबर पर है हालाँकि आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा है लेकिन सर्च के लिहाज से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा ये कीवर्ड सर्च हो रहे हैं जो कि है मोबाइल फ़ोन का नाम और ये मे भी उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो ये आप इमेजिन करेंगे जब आप बिज़नेस रन करेंगे तो आपको ये जो डेटा है वो आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प करेगा कि आपको लग रहा होगा कि जी आपकी जो सेल्स हैं वो लाहौर कराची सलाबाद यानी तीन बड़े शहरों में हो रही हैं लेकिन यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि लोग एक्चुअली सर्च कहाँ कर रहे हैं और जहाँ लोग सर्च कर रहे हैं वहाँ पर आप ज़्यादा मार्केटिंग करना चाहेंगे ताकि आप उनको ज़्यादा कैप्चर कर सकें उसके बाद रिलेटेड टॉपिक्स में वो दिखा रहे हैं कि इससे जब जो मैंने सर्च किया है टर्म जो कि मोबाइल फ़ोन की टर्म है उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लोग सर्च करते हैं वो हमारे मतलब की भी चीज़ नहीं है हमारे मतलब की चीज़ें रिलेटेड क्योरीज ये वो व्यवरीज़ हैं जो गूगल सर्च से आती हैं कि अगर मैंने मोबाइल फ़ोन लिखा तो उसके अगेंस्ट लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं पी टी एम मोबाइल रजिस्ट्रेशन ओप् फाइव सेवन प्राइस इन पाकिस्तान ओपो एफ नाइन फाइव जी मोबाइल रिक्वायरमेंट्स ओप्पो एट थ्री तो आप देखेंगे कि तकरीबन ये वो राइजिंग सर्चिज़ हैं जो गूगल बता रहा है कि ये बहुत जल्दी तेज़ी से सर्च हो रही हैं और ये ब्रेकआउट का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी बहुत ऊपर आ गई हैं वरना अगर आप देखें पाँचवें नंबर पर फोटी टू परसेंट प्लस इंक्रीज़ बता रहा है कि लास्ट ट्वेल्व मंथ में इस, इस की वर्ड की इंक्रीज़ इतनी ज़्यादा हुई है अगर मैं राइजिंग से उसको टॉप कीवर्ड कि मुझसे टॉप कीवर्स दिखाओ तो मुझे बताएगा कि जो सबसे ज़्यादा सर्चिज हो रही हैं मोबाइल फ़ोन प्राइस की हो रही है मोबाइल फ़ोन प्राइस इन पाकिस्तान की हो रही है मोबाइल फ़ोन मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान की हो रही है तो अल्टीमेटली ये तीनों एक ही कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन प्राइस इन पाकिस्तान में दोनों कीवर्ड कवर हो जाएंगे सैमसंग मोबाइल फ़ोन या सैमसंग भी ज़्यादा सर्च हो रहा है लेकिन ये फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर है इससे सैमसंग को ये आइडिया होगा कि सैमसंग का ब्रांड कितना बेहतर है तो ये वो सर्च क्यूरी का डेटा है जो गूगल हमें एक्स्ट्रा शो करता है अगर आप मजदीज़ इसमें डिग इन करना चाहें तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको एक और सर्च क्यूरी में ले जाएगा जो बेसिकली मोबाइल फ़ोन प्राइस की सर्च क्यूरी होगी और आप देख सकते हैं कि उस ट्रेंड में भी ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है और अल्टीमेटली ये तकरीबन अक्टूबर में बिल्कुल नीचे गया और अब ये फिर नवंबर में ऊपर आया और उसके बाद ये फिर दिसंबर में ऊपर जा रहा है तो मे भी, भी हो सकता है कि यहाँ पर जो सेल्स लगती हैं ब्लैक फ्राइडे की वजह से दूसरी सेल्स की वजह से ये चीज़ ग्राफ ऊपर गया उसके बाद लोगों ने बाइंग कम कर दी सर्चिंग कम कर दी बिकॉज वो अब ख़रीदना नहीं चाह रहे थे वो वेट कर रहे थे सर्चिज़ का या ऑफ़र्स का तो ये इससे काफ़ी इनसाइटफुल डेटा आपको मिल सकता है गूगल ट्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है इसमें एक लास्ट बाद मैं आपको थोड़ा सा एक और क्लियर कर दूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन में वापस जाने के लिए मोबाइल फ़ोन दोबारा सर्च करता हूँ और उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ स्मार्टफोन को और देखते हैं कि कौन सा वर्ड ज़्यादा बेहतर है तो ये कंपैरिजन में आप देखेंगे कि लोग पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन का वर्ड ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ हो रहा है स्मार्टफोन का वर्ड बहुत कम यूज़ हो रहा है तो ग्राफ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर्च वॉल्यूम आउट ऑफ हंड्रेड कितने परसेंट जो है वो लोग मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे हैं कितने परसेंट लोग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जब आप डिसीजन लेंगे अपनी एस का तब आप ये देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और इसी तरह से आप देखेंगे कि कौन से जो हैं ज़्यादा कहाँ हो रही हैं तो आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन गिलगित बल्दिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मोबाइल फ़ोन भी सर्च हो रहा है लेकिन पंद्रह परसेंट लोग ऐसे भी हैं जो कि स्मार्टफ़ोन सर्च कर रहे हैं फिर पंजाब में भी मोबाइल फ़ोन भी सर्च हो रहा है लेकिन सतारह फीसद लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्टफ़ोन भी सर्च कर रहे हैं और इसी तरह से बलोचिस्तान में भी लोग स्मार्टफोन लिख के टाइप कर रहे हैं और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी लोग स्मार्टफोन लिख के टाइप कर रहे हैं तो ये परसेंटेज से मुझे क्या बेनिफिट मिलता है मुझे अंदाजा होगा कि हाँ मैं अगर सिर्फ मोबाइल फ़ोन लिखूँ तो ये एट्टी परसेंट एटी फाइव परसेंट लोगों का मैं टारगेट तो कर लूँगा लेकिन वो फिफ्टीन परसेंट लोग कहाँ जाएंगे जो स्मार्टफोन लिख के अपनी प्रोडक्ट का रिजल्ट निकाल रहे हैं तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टैट्स देती हैं इधर से आप कीवर्ड निकाल के यहाँ से भी आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं और इसको मजीद कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं तो ट्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि गूगल ट्रेंड्स एक बड़ा हेल्पफुल टूल हो सकता है आपको ये कीवर्ड रिसर्च तो नहीं बताता लेकिन आपको कीवर्ड्स का ट्रेंड्स बता देता है और आप इससे एक कीवर्ड से दूसरा कीवर्ड दूसरे से दस कीवर्ड आप ऐसे कीवर्ड निकाल कर उनकी बेस बनाते बना सकते हैं वो की भी आप देख सकते हैं कि जो एकदम से ऊपर आ रहे हैं जो राइजिंग है और वो भी देख सकते हैं जो टॉप पेज जा रहे हैं तो ये सब डेटा आप वापस अपनी एस में डालेंगे अपनी वेबसाइट में डालेंगे अपने कॉन्टेंट में डालेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या आपको मोबाइल फोन का वर्ड ज़्यादा यूज़ करना है या स्मार्टफ़ोन का वर्ड ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करना है आपने ग्राफ ग्राफ्सो देख ही लिया कि मोबाइल फ़ोन की सेटिस बहुत ज़्यादा थी आलमोस्ट सेवेंटी एट्टी परसेंट आउट ऑफ हंड्रेड थी जबकि स्मार्टफ़ोन की ट्वेंटी थर्टी परसेंट के बीच में थी तो अगर एक लॉजिकल डिसीजन लिया जाए तो लॉजिकली या टेक्निकली हमें मोबाइल फ़ोन के कीवर्ड पे ज़्यादा फ़ोकस करना है क्योंकि लोग वो ज़्यादा सर्च कर रहे हैं स्मार्टफोन लिख के लोग सर्च नहीं कर रहे हैं लेकिन एक ऑडियंस वो भी है जो स्मार्टफोन लिख रही है सो तो आपने ये देखना है कि आपने किधर जाना है जहाँ पर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होगा इसीलिए ये अच्छी स्ट्रैटी होती है कि आप वो भी उस पर भी काम करें जो लोग जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं मतलब ये कि जहाँ पर एक्चुअली आपको लगता है कि सर्चिस कम है उसमें कंपटीशन कम है उसमें आप जल्दी रैंक कर सकेंगे और फिर बाद में ग्रेजुअली आप जनरल के ऊपर जाएं, तो ये गूगल ट्रेंड्स का टूल आपको उन सब चीज़ों में मदद करेगा जो आपको अदरवाइज एक आम टूल से नहीं मिल सकती